हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजी क्लासेस। स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.5। एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच टू द नियरेस्ट टेंस। पहले हम ये देख सकेंगे कि इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, नियरेस्ट टेंस। तो किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी डिजिट है यहाँ पे 82। पहले इसको हम प्लेसेस में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये वंस प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे। हमें राउंडिंग ऑफ कौन से प्लेस पे करना है, टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो हम उससे पहले वाला प्लेस देखेंगे, क्या है वो, 2 है यहाँ पे। अगर 5 से छोटा है नंबर, 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, वंस प्लेस क्या हो जाएगा, 0, और ये जो टेंस प्लेस है ये क्या रहेगा, एज इट इज़, ठीक है। लेकिन अगर नंबर जो आए वो क्या हो जाए, 5 से बड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 के प्लेस पे क्या होता है, 6 होता, तो हम क्या करते हैं कि ये तो वंस प्लेस तो 0 ही होना है, लेकिन जो टेंस प्लेस होगा उसमें क्या हो जाएगा, 1, ऐड करके हम इसमें 8 + 1 9 लिखेंगे, इसको 90 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 84। अब हम देखेंगे ये किस किस के मिड में आता है, 80 के और 90 के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नियर कौन सा है इसके ज़्यादा, 84 के नियर ज़्यादा कौन सा है, 80 या फिर 90। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, 84 में से 80 माइनस किया कितना आया, 4। अब 90 में से 84 माइनस किया क्या आया, 6। किसके बीच का डिफरेंस कम आ रहा है, यहाँ पे 4 स्टेप चलने पड़ेंगे और यहाँ पे हमें 6 स्टेप, तो 4 वाला कम है, तो 84 का एस्टिमेट करके क्या आएगा, 80 आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसलिए जैसे 73 है उसका क्या आ जाएगा, 70। 59 का क्या आ जाएगा, 60। 85 का क्या आ जाएगा, 90। 72 का क्या आ जाएगा, 70, ठीक है। जैसे कोई डिजिट है हमारे पास 529, अब इसे प्लेसेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वंस, टेंस, 100। 100 प्लेस पे करना है हमें इसे राउंडिंग ऑफ, तो हम इसका टेंस प्लेस देखेंगे, 2 है तो फिर 5 से छोटा है ये, तो 100 प्लेस की डिजिट एज इट इज़ रहेगी और रेस्ट प्लेसेस क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। और अगर कुछ और ले लें, हम 84 ले लिया, तो ये वंस, टेंस, 100। टेंस प्लेस पे क्या आ गया, 8, जो कि 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो अब क्या करेंगे हम, रेस्ट प्लेसेस 0 हो जाएंगे और 100 प्लेस पे 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, 600 आ जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ करके, क्लियर। तो हम ये एक्सरसाइज हम इसी बेस पे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 73 - 59 कितना आ गया हमारे पास, 14। अब हमें करनी है एस्टिमेटेड की बात, एस्टिमेट कैसे करते हैं, 73 को टेंस प्लेस पे करना है, क्या पहले राउंड ऑफ, तो क्या आ जाएगा, 73 किस किस के बीच में आता है, 70 के और 80 के, और ज़्यादा नियर किसके आए, 73 70 के, तो हम 73 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 70, क्लियर। और 59 50 और 60 के बीच में, और ज़्यादा नियर किसके हैं, 60 के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 60। अब 70 - 60 क्या आ गया हमारे पास, 10। तो ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस। ऐसे ही 85 किस किस के नियर है, 80 और 90 के। अब जैसे 5 है तो फिर हम आगे की साइड ही जाएंगे, तो 85 का क्या आ जाएगा, 90, क्लियर। अब 72 किस किस के मिड में आता है, 70 के और 80 के, और ज़्यादा नियर किसके है, 70 के या 80 के, 72 70 के नियर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 72 का एस्टिमेट हो गया 70। 90 - 70 20, क्लियर। और एक्चुअल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 5 - 2 3 8 - 7 1, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये गिवन है 825 - 656, इसका एक्चुअल डिफरेंस फाइंड करते हैं पहले, क्या आ जाएगा, 5 - 6 तो होगा नहीं, तो 1 बोरू करेंगे, क्या हो जाएगा, 15 - 6 9। अब यहाँ पर बचा 1, यहाँ से लिया हमने 1, तो 11 - 5 क्या हो गया, 6। 7 - 6 क्या हो गया, 1, क्लियर। और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमें टेंस प्लेस पे करना है ना, तो हमें वंस डिजिट देखना है इसका, 5 है तो क्या हो जाएगा, 1 ओके आगे ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 830 इसका एस्टिमेट ओके। और 656 इसका टेंस प्लेस पे करना है, तो इसकी वंस डिजिट देखेंगे, 6 है तो इसका भी 1 किस में ऐड हो जाएगा, टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 660। अब कितना आ जाएगा ये, 0 - 0 0। अब ये 3 - 6 है तो 1 बोरो करेंगे, 13 - 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। 7 - 6 क्या आ जाएगा, 1, क्लियर। 170 आ गया इसका एस्टिमेटेड वैल्यू। नेक्स्ट है 973, इसका टेंथ प्लेस पे करना है एस्टिमेट, तो इसका वंस डिजिट देखेंगे, 3 है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे इसके प्लेस पे, और ये टेंथ डिजिट, टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो एज इट इज क्या आ जाएगा, इसलिए ये 450। अब 0 - 0 0 7 - 5 2 9 - 4 5 कितना आ गया, 520। अब इसका एक्चुअल डिफरेंस फाइंड करते हैं, 3 - 7 इम्पॉसिबल, तो 1 बोरो करेंगे, 13 - 7 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे बचा 6, 6 - 4 2
यहाँ पे है 9, 9 माइनस 4 5, 526, क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस तो हम एज इट इज जो दिया हुआ नंबर्स उनको ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 माइनस 4 क्या आ गया 3, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 2 4, ऐसे ही इसका कर देते हैं। 5 माइनस 9 नहीं होगा तो इसलिए 1 बोरो करेंगे। 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे 10 लेफ्ट हुआ तो 10 माइनस 7 3, और यहाँ पे क्या बचा है 7, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, क्लियर। अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे इनकी पहले। अब उसने कहा है 100 प्लेस पे, यहाँ पे चेंज करना है हमें 100 प्लेस पे, तो हम इसकी कौन सी प्लेस की डिजिट देखेंगे, 10th प्लेस की डिजिट, 5 से ग्रेटर है तो 1 करके हम ऐड कर देंगे, नहीं तो जीरोज एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे 8 है तो 5 से ग्रेटर है, अब क्या होगा ये इसका 1 बन के किस में ऐड हो जाएगा 100 प्लेस वाली डिजिट में, 100 प्लेस पे 6 है तो क्या आ जाएगा 7, और इनके प्लेस पे क्या आ जाएगा जीरोज। ऐसे ही है 264, अब हमें 100 प्लेस पे करना है तो हम इसकी 10th डिजिट देखेंगे, 10th क्या है 6, 5 से ग्रेटर है तो इसका क्या बन जाएगा 1, और इसमें ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 300, और 700 माइनस 300 क्या आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 815, अब हमें 100 प्लेस पे जब चेंज करना है तो उससे पहले वाला क्या है 10th प्लेस, 10th प्लेस पे क्या है 1 जो कि 5 से छोटा है, तो इसमें विदाउट एनी चेंजेस 8 एज इट इज़ और इनके प्लेसेस पे 0 आ जाएगा। अब 379 है, 3 को किसके प्लेस पे है 3 100 के और 7 10th के, 7 5 से ग्रेटर है तो क्या होगा इसका 1 बन के आगे यानी कि 100 प्लेस पे ऐड हो जाएगा, 3 + 1 400 आ जाएगा, तो 800 - 400 कितना आ गया हमारे पास 400। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर